या इसमें दो टाइप की टेप है, एक होती है पैनल ग्लास साइड, ठीक है, ग्लास साइड मतलब ये जो कॉक का एरिया है इस पर ये टेप लगी, ठीक है, और जो ये एरिया है इस पर 2 mm की, यहाँ पर आप क्लोजअप पे लाओ पहले, तो यहाँ लिखा है साइज 2.0 mm मल्टीप्लाई बाय 50 meters, मतलब ये इसकी जो साइज है टोटल साइज जो है मीटर्स में 50 मीटर्स की पूरी रील है जिसमें 2 mm की टेप है, तो ये हो गई टेप ये साइज की, ठीक है, इसको इस पे ले लो पहले बैकलाइट से तो ज़्यादा अच्छा क्लियर दिखेगा, ठीक है, तो ये हो गया 2 mm और ये साइड में 1.5 mm ग्लास साइड, ग्लास साइड मतलब हमारी जो बॉन्डिंग एरिया है उसमें लगाने के लिए यहाँ पर, और ये पीसीबी साइड इस पे टेप जो लगेगी 2 mm की, ठीक है, इसको सबसे पहले क्लीन करना होता है माइक्रोस्कोप में देख के, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर टेप लगाई जाती है। एसीएफ टेप कौन सी लगेगी, ये वाली, ठीक है, 1.5, सबसे पहले आपको देखना होता है एक्सपायरी डेट, ये तो हम ट्रेनिंग के पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो एक्सपायरी डेट हमारे लिए अभी यहाँ मायने नहीं रखती, लेकिन जब आपको पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और रिपीट प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो आपको ये एक्सपायरी डेट देखनी होती है, जो कि फरवरी में एक्सपायर हो गई है, 25 फरवरी इस साल एक्सपायर हो गई है, इसको कितना टाइम हो गया एक्सपायर होके, लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने से 10 दिन ऊपर, 5-7 दिन ऊपर, तो इस टाइप की टेप में आपको चिपका सकते हो कॉफ को, लेकिन रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस कॉफ इस एसीएफ टेप से, ये टेप ले लो, इतनी ही चाहिए और इसको यहां पर लगाना है, ये देखो फिट हो गई, इसको हमें अपना छोड़ के, हाँ, ताकि हमारे हाथ में भी आए निकालने के टाइम पे, इसके ऊपर एक रबर स्लीव होती है जो कि कॉक को खराब ना हो उसके लिए दी हुई है, ताकि हीट भी मिले और ये एसीएफ टेप कॉक पे हल्की सी हमें चिपकानी है ताकि इसके जो गम है इसके ऊपर लग जाए कॉक की प्रिंट के ऊपर, और एक्चुअली यहाँ गम ही यूज होती है बॉन्डिंग में, टेप का ऊपर का भाग निकाल दिया जाता है फाइनल बॉन्डिंग प्रोसेस के समय पर, चिपकाना है इसके ऊपर क्योंकि ये मेन पार्ट है, क्योंकि ये मेन पार्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो गम है टेप में ये पूरी तरह से कॉक के ऊपर आ जाए, ताकि हम जब टेप निकालें तो खाली टेप का ऊपर का कवर निकले और जो गम का हिस्सा है जो इसके ऊपर लग जाए वो प्रॉपरली। नॉर्मली मैं अपनी टेक्निक में क्या करता हूँ कि 60 सेकेंड्स काउंट करता हूँ मन में, जैसे 1, 2, 3, 4 60 काउंट कर लो आप, एक साइड में जब रखते हो 60 की काउंटिंग करनी है और दूसरी साइड भी 60 की काउंटिंग, क्योंकि एक बार में आप पूरा लंबा हिस्सा नहीं ले सकते, गिट्टी आयरन की जो साइज है उसमें हम लिमिटेड एरिया ले सकते हैं एक बार में, क्या कर दिया टी कर दिया इसको, टी आयरन कर दिया, तो अब टेप निकलनी चाहिए जितनी एक्सेस यहाँ की बाहर के बाद की कॉप की एरिया की रह जाएगी, बाकी टेप जो है देखो यहाँ आ गई, ये इधर आ गई, ठीक है, इसमें से टेप निकल गई, इतनी चिपकानी है आपको, ठीक है, इसके बाद ये पहले पैनल को आपको क्लीन करना है, जो ITO है उसको भी क्लीन करना है, तो क्लीन करोगे तो नॉर्मली पैनल का जो हिस्सा है चालू है, पैनल का जो हिस्सा है उसको बाहर की तरफ ले लो, अंदर लोगे तो क्या होगा कि ये जो हम लगा रहे हैं एसीएफ रिमोट वो नीचे चले जाएगा, पोलराइज सीट खराब करेगा नीचे वाली, तो आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है, ठीक है, इसके बाद ये एसीएफ रिमोट आपको लगा के थोड़ा करीबन 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड,
तो ये देखो इस तरह से क्लीन हो रही है। तो प्रिंट से ना को मशीन एरिया में ले जाए। देखो ये जो दिख रहा है ना इतना एरिया, ये हमारा बॉन्डिंग एरिया है। यहाँ पर जो डॉट जैसा दिख रहा है दोनों साइड में, ये डॉट कॉप में भी होगा, ये दोनों को मैच करना होगा। सबसे पहला काम होता है मैच करना, उसको दोनों साइड में इक्वली मैच होना चाहिए। और आपको जो आईटीओ बिठानी है वो भी एग्जैक्टली क्रिस्टल के बीच में रखनी है। ये देखो अभी मुरली आपको दिखता है ये? हाँ, तो इसमें आप देखो कि ये इसके बीच में डिस्टेंस उतना ही इधर कट रहा है अभी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों। फिर हम कपड़ा रख के देखेंगे इसको क्लियर, क्योंकि अभी देखो क्लैरिटी नहीं आ रही इधर। अब यहाँ आप देखो क्लैरिटी आ रही है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये लास्ट की लाइन है गेट लाइन, इसको गेट लाइन्स बोलते हैं, जो मतलब फैनल के किनारे पर जा रही है। इस साइड भी ऐसी गेट लाइन्स है, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा कॉप का वो है हिस्सा, जहाँ पर ये मतलब कॉप का हिस्सा फिट होगा, दोनों एरिया में कॉप का सिंबल भी आना चाहिए इक्वली, ठीक है। ये राइट साइड की कॉप का हिस्सा मतलब पैनल का हिस्सा, और ये लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो आईटीओ को नॉर्मली है ना हेड के उस भाग में ले लेने का, जिस भाग में सबसे पहले तो आपको मशीन को अलाइन करना है। आपका जो हेड है मैनुअल अलाइनमेंट दबाएंगे तो ये नीचे आएगा, ठीक है। अब इस समय ये जो दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर लाइन है, तो मुझे माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट इस लाइन पे करनी है, ताकि मेरा मुझे फोकस हो कि हेड किस साइड आ रहा है, ठीक है। और ये देखो ये दोनों को मुझे एक्यूरेटली मिलाना है, ठीक है, ये दोनों हिस्से को। और क्रिस्टल को भी क्लियर करना है, पैनल रखने से पहले इसके ऊपर जो ये जो डॉट्स दिख रहे थे क्लियर हो गए ना, ये दाने दाने दिख रहे थे वो इसी टेप चिपकी हुई होती है इसके ऊपर। हर एक बॉन्डिंग प्रोसेस में इसमें गंद की आती है, जिसको साफ करना पड़ेगा आपको। और आप देखो ये एकदम किनारे मतलब इक्वली मैच हो रही है दोनों साइड में। तो ये जो आईटीओ का हिस्सा है ना, इसको एग्जैक्टली इसके बीच में रखना है अपने को, इस एरिया में। तो ये अभी बीच में ही है, ठीक है। अब हेड को नीचे उतार के भी देख लेते हैं कि किस भाग में जा रहा है। आपको ये फोकस भी रखना है इसके ऊपर, कि आपका जो हेड है कहीं ग्लास के ऊपर ना आ जाए। ये ऊपर वाला ग्लास है देखो, बाहर की साइड थोड़ा, जो हमने कल ग्लास निकाला था वो ऊपर वाला ग्लास जो है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखो अभी ये हेड के ऊपर मतलब हेड इसके ऊपर आ गया पैनल के ऊपर। अब देखो तुम, ये उसके अंदर आ गया मतलब हेड के अंदर। यहाँ से आपको क्लियर महसूस होगा, ये देखो ये इसके अंदर आ गया हेड के अंदर। ये हिस्से को बचाना है आपको, ये अगर जो इधर आ जाए, ये हिस्सा यहाँ पर आ जाए तो आपकी पैनल ब्रेक हो जाएगी, ये हिस्सा इधर आ जाए तो भी आपकी पैनल ब्रेक हो जाएगी। तो खास ये ध्यान रखना है, ये हो गया, उसके बाद वैक्यूम का बटन है इधर यहाँ पर, ये ठीक है, इसको आपको ऑन करना है। तो एक तरह की आवाज़ आएगी जो कि वैक्यूम की है। अभी समय पे आप
हेड को उठा लो, ठीक है, अब ये हिलेगी नहीं इस जगह से, ये यहीं रहेगी। इसके बाद आपको कॉफ क्लिपर में लगाना है। उसमें सबसे पहले आपको करना ये है कि इसमें जो एडजस्टमेंट है ना, ये बाहर की साइड रहे हल्का, इतना रहना चाहिए बाहर, और इस साइड भी जो हमारे पास थोड़ी जगह रखनी है, ठीक है, इतनी जगह हमारे पास रहनी चाहिए ताकि जो भी एडजस्टमेंट हो हमारे पास ये फुल लॉक ना हो जाए एक जगह पे जाके। और मैक्सिमम तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि कॉक को ही पहले से ही कोशिश करके उसी आईटीओ के दिशा में, जैसे अब देखो ये कहाँ जा रही है, ये मेरी आईटीओ की लास्ट इधर है और एक इधर है, और ये कहाँ जा रहा है, इस साइड, अब इसको है ना कपड़ा रख के और फ्लैश लाइट के साथ। अब हमको सिंबल्स देखने हैं कॉक के, ठीक है, दोनों कहाँ पे है। तो ये देखो, ये जो हिस्सा है ये ब्लॉक, इसके अंदर आना चाहिए, इधर भी देखो और इधर देखो, ये थोड़ा सा गैप दे रहा है और इस साइड में इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लूँगा। तो नॉर्मली नीचे लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना एंगल वाला, इससे नीचे लूँगा और ये वापस लेफ्ट और राइट से आगे। तो देखो ये अभी थोड़ा मैच हुआ, हल्का सा और ऐसे करो, देखो ये इक्वल मैच हो गया दोनों साइड में। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है आपको सिंबल मैच करना है, दोनों सिंबल्स जो है कॉप की सिंबल्स और आपकी आईटीओ, जो ये डार्क दिख रहा है ना, जो ये आपकी पैनल की आईटीओ है, ये डार्क दिख रहा है लाइंस, वो भी पैनल की आईटीओ लाइंस है, और ये जो ग्रीन टेप है दिख रही है ना ग्रीन, ये आपकी कॉप है और ये कॉप के ऊपर है जो हल्का दिख रहा है आपको। अभी ACF टेप लगी हुई है इसलिए ये बहुत हल्की दिख रही है। अभी इतना एडजस्टमेंट कर लिया आपको, उसके बाद क्या करना है कि इसको आपको क्लीन करना है ये एरिया को। पहले आप क्लीन कर लोगे इसको अच्छे से, ठीक है, एक भी डस्ट इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब आप टेप निकाल के रख रहे हो उसके ऊपर। तो मेरी टेप जो है मैं निकाल दूंगा और फिर बाद में आप ये रखूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आप देखो ये थोड़ी खिसक गई है, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ ले आऊँगा, ठीक है, ये ऐसे, और लाइन भी मैच करूँगा। तो मैं हल्का सा कपड़ा रख के लाइन मैच कर लेता हूँ, ये देखो लाइन मैच हो गई इधर की, और इधर की हल्की बाहर है। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों में से एक को हल्का हल्का मैच कर लूँगा दोनों, अगर जो साथ में नहीं हो रही, क्योंकि मुड़ी हुई कॉप होती है ना जो हमने यूज़ की हुई है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो आपको ऐसे कर लेना है कि दोनों साइड इक्वली कटे। बाकी काम प्री बॉन्डिंग से करोगे, प्री बॉन्डिंग यहाँ पर प्री बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए प्री बॉन्डिंग के लिए करना क्या होगा, आपको पहले तो टेफ्लॉन टेप की जरूरत पड़ेगी, के बाद में फिर आप इसको नीचे करोगे। अब जो भी काम होगा ना ये इससे होगा, स्पॉटलाइट का काम नहीं है, क्रिस्टल लाइट का ही काम है इसमें। अब ये नीचे आने के बाद आपको प्री बॉन्डिंग करना है। देखो अब जो भी बारीक एडजस्टमेंट है आपकी इधर होगी, यहाँ पर देखो ये वाइट में दिख रही है, ये क्या है, ये वाइट जो दिख रही है ना ये आईटीओस है अभी, मतलब कॉफ की। और यहाँ पर देखो ये दोनों आपको ब्लैक और ये जो वाइट है कॉफ की, वो दोनों को मैच करना है। तो देखो दोनों इक्वली मैच हो गई है, ठीक है, और प्री बॉन्डिंग को हमेशा 96 तक पहुंचाना है। जब तक ये 96 नहीं होती तब तक आपका ये काम पूरा नहीं होगा। तो आप परफेक्ट मैचिंग इसी दौरान आपको कर लेना है कॉप की प्री बॉन्डिंग से, ठीक है। अब ये देखो पहुंच गया है, आप प्री बॉन्डिंग ऑफ करेंगे, हेड प्रेस ऑन करेंगे। अब इससे क्या होगा, अब जो हेड प्रेस ऑन किया है आपने, तो इससे मैं देखो ये प्री बॉन्डिंग ऑफ किया तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और कम करना हो तो आपको हेड पुल का यहाँ बटन दिया हुआ है, हेड पुल से आप ये कम करोगे, क्योंकि अभी प्रेशर देना है इसलिए मैं हेड प्रेस दबाया है। अगर जो मैं ये नहीं दबाता तो मैनुअल अलाइनमेंट दबाता तो हेड ऊपर चला जाता, तो हेड प्रेस मतलब हेड दबा हुआ है, ठीक है। तो ये बटन को दबाए बिना आपको ये नहीं दबाना है प्रेशर का। तो अभी देखो ये 51 डिग्री पे पहुंचा है, अभी मुझे इसको और कम करना है, अब मैं मैनुअल से प्रेशर दूंगा, ठीक है, ये प्रेशर आ गया इस पे। अब ये ग्लास बॉन्डिंग का वक्त हो गया, ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पर मैं है कि नहीं वो भी देखूंगा और ग्लास बॉन्डिंग दबा दूंगा। देखो अभी ये ग्लास बॉन्डिंग प्रोसेस चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन जो है ये आपकी यही रहनी चाहिए, यहाँ पर देखो ये और इधर, ठीक है। ये देखो आपका बॉन्डिंग पूरा हो गया और यहाँ पर टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, ठीक है। ये बॉन्डिंग प्रोसेस कंप्लीट किया आपने ग्लास साइड का। अब आपको क्या करना है, हेड प्रेस, हेड प्रेस से अभी ये हेड ऊपर चला जाएगा। अब बॉन्डिंग प्रोसेस हो जाने के बाद ही करना है ये काम आपको। तो यहाँ पर आपको हल्का अंदाजा क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो ITOs है पैनल की, ग्लास की और कॉप की इक्वली मिली है। अगर जो ये नहीं मिली होती तो हल्की काली हो जाती यहाँ से, क्योंकि आप गैप के बीच में कॉप की वो ले आते हैं तो क्या होता, जहाँ से लाइट पास हो रही है वहाँ जगह कॉप की ट्रैक ब्लॉक कर देती तो काली हो जाती है। तो ये परफेक्ट है। अभी और देखना हो आपको गहराई से तो क्या करना है, इसको यहाँ पर कपड़ा रखेंगे और ये जो व्हाइट दिख रहा है अब देखो मैं फ्लैश लाइट से ब्लैक दिखेगा, देखो अब ब्लैक ब्लैक हो गई। तो ये जुड़ गई है ट्रैक, ये वाली ट्रैक और ये वाली ट्रैक देखो अब इक्वली मिली हुई है। और यहाँ भी देखो यहाँ पर ट्रैक्स जो है सब मिल गई है ना, कहीं से भी आउट नहीं है, दिख रहा है। इसको बोलते हैं परफेक्ट बॉन्डिंग, मतलब इसमें पॉइंट की भी हमने जगह नहीं रखी जहां शिफ्ट होगी। मशीन में है प्रॉब्लम्स लेकिन हमने उसको क्या किया कि हल्का आउट रख के उसको ठीक किया, क्योंकि आपने देखा होगा कॉफ हल्की सी इस साइड आई लेकिन पूरी नहीं आई क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको थोड़ा सा आउट रखा था, तो बीच में एकदम परफेक्ट जगह पे आके लॉक हो गई। तो ये अभी इसको बोलेंगे बॉन्डिंग का जो परफेक्ट प्रोसेस है।